सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज गिवन टू अस cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इक्वल्स टू 2 sec a, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इन विच वी हैव गिवन cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। अब अगर हम लोग स्टेप की बात करें, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, सारे रेशियो को साइन कोस में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे रेशियो ऑलरेडी साइन कोस में है, तो हम तीसरे स्टेप में आएंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कोस ए और वन प्लस साइन ए आएगा। वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कोस ए इंटू कोस ए जो होता है वो कोस स्क्वायर ए हो गया। सिमिलरली cos a से cos a कैंसिल, 1 plus sin a into 1 plus sin a, then 1 plus sin a whole square, okay? जब बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप ये स्टेप ऑटोमेटिकली आप अप्लाई करने लग जाओगे, तो इन बातों को ध्यान रखना। यहाँ से हम क्या करते हैं, cos square a को ऐसे रखते हैं, यहाँ a plus b whole square अप्लाई करते हैं, तो a square plus 2ab plus b square, और जो डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया हो उसको ऐसे ही रखेंगे। अब 10 क्लास की एक खासियत होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि जहां कोस स्क्वायर होगा वहां साइन स्क्वायर जरूर होगा, या फिर जहां साइन स्क्वायर होगा वहां कोस स्क्वायर जरूर होगा। तो इनको पास में लिखेंगे, इसको और इसको पास में लिख लिया आपने, प्लस 1 प्लस 2 साइन है अपॉन में कोस है 1 प्लस साइन ए। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, प्लस ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, 2 साइन ए अपॉन कोस ए एंड 1 प्लस साइन ए। यहाँ से 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, यहाँ पे कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, जैसे 2 कॉमन लेंगे अंदर 1 प्लस साइन ए रह जाएगा, और यहाँ पे कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और जो 1 अपॉन कॉस ए होता है वो सेक ए होता है, तो ये यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया। बहुत इजी मेथड से समझाया मैंने आपको, वो स्टेप्स आपको आने ही चाहिए, अगर वो स्टेप्स आएंगे नहीं तब आप इन चीज़ों को कर नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कंप्लीट होता है।